हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर 2022 टर्मेट एग्जाम की एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपको कब फिल करना है, कब रिलीज होने वाले, फीस क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। साथ ही आज की इस वीडियो में बात करेंगे असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट के बारे में दिसंबर 2022 टर्मेट एग्जाम को लेकर। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आज की इस वीडियो में आपको क्लियर आउट करूंगा, सभी ऑफिशियल बातें आपको बताने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन वाले ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आई स्टूडेंट, बात करते हैं बिना किसी देरी के इग्नू असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट और एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको असाइनमेंट्स के बारे में क्लियर आउट कर देता हूँ, असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की। देखिए, मास्टर डिग्री के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है वो 15 सितंबर एज पर क्वेश्चन पेपर गिवन है, बट लास्ट डेट कई सारे क्वेश्चन पेपर पर 30 सितंबर भी गिवन है। तो यहाँ पर एक क्लियर आउट करूँ कि लास्ट डेट क्या रहेगी। देखो, अभी आपके रीजनल सेंटर की गाइडलाइंस रिलीज होंगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो लास्ट डेट है वो लगभग अक्टूबर तक तो जाएगी ही जाएगी, यानी कि आपके पास में 31 अक्टूबर तक का टाइम रहेगा। उसके बाद में फर्दर एक्सटेंड होगी, वो भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हो कि आपके लिए जो लास्ट डेट है वो अक्टूबर तक है और आप लोग उसमें सबमिट कर दें अपने असाइनमेंट को, टाइम से बनाएं। और असाइनमेंट आपको कौन से बनाने हैं इसके बारे में जानकारी आपको हमारे चैनल पर इस वीडियो में मिल जाएगी, इसे ज़रूर से चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। बाकी असाइनमेंट आपको कैसे लिखने इसके लिए ये वीडियो है। अब उसके बाद में फ्रंट पेज असेसमेंट शीट आप यहां से डाउनलोड कर लेना, इसे अपने असाइनमेंट में लगाना कंपलसरी होता है। क्वेश्चन पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सॉल्यूशन अगर आपको बाय करने हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आप ये मूव ऑन करते हैं, बात करते हैं दिसंबर 2022 टर्मेट एग्जाम के एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम फॉर्म कब रिलीज़ होगा, इसको लेकर बहुत सारी कमेंट है, बहुत सारे ऐसे आपके इंस्टा पर DM भी है। तो आज की इस वीडियो में इसी पर क्लियर आउट करते हैं। अभी आप जो एग्जामिनेशन फॉर्म की विंडो देख रहे हैं वो जून 2022 टर्मेट एग्ज़ाम को लेकर है। सो अब बात करते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है कब रिलीज़ होने वाला है। आपको पता होगा लास्ट जो एग्ज़ाम हुए जून 2022 की, उसकी जो एग्ज़ामिनेशन है 22 जुलाई से स्टार्ट हुए, तो उसकी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आप देख रहे हैं 1 जून 2022 को रिलीज़ किया है इग्नू ने। तो यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन का टेंटेटिव शेड्यूल भी इग्नू ने जो जारी किया था वो अब फिलहाल वेबसाइट से हटा दिया गया है इग्नू की ओर से। तो यहाँ पर जो एग्ज़ामिनेशन की टेंटेटिव शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मान के चलें तो आपका जो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है वो मिड नवंबर में इग्नू की ओर से जारी कर दिया जाएगा, जहाँ तक लग रहा है। उससे पहले के आने के चांसेस बहुत कम है। जहाँ तक है आपका मिड नवंबर में आपका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म इग्नू की ओर से स्टार्ट किया जाएगा, उसका जो लिंक होगा वो इग्नू के अलर्ट सेक्शन में आएगा। उसके साथ ही आप लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑनलाइन पे जाके भी चेक कर पाएंगे, टर्मेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको उस पोर्टल पे आपको भेज दिया जाएगा जो कि आपको मिड नवंबर में स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में। देखिए, एग्ज़ाम फ़ीस इस बार कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जहाँ तक है आपकी जो फ़ीस है वो 200 रुपीज़ पर कोर्स रहने वाली है उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जब तक आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद में जो लास्ट डेट के बाद अगर आप सबमिट करेंगे तो वहाँ पे 1100 रुपीज़ आपकी लेट फ़ीस काउंट की जाती है। तो जो भी स्टूडेंट एग्ज़ामिनेशन में अपेयर करना चाहें वो नवंबर में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को ध्यान से फिल कर दें। एग्ज़ाम सेंटर अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हैं, एग्ज़ाम आप कहीं भी दे सकते हैं, डिपेंड नहीं करता कि आपके एग्ज़ाम से आपका स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर कौन सा है, आप कहीं भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आता है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते वक्त आप इन सभी सावधानियों को ध्यान रखें। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले आपको असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, उसे भी आप टाइम पर कम्प्लीट कर लेना और सबमिट कर देना। तो इस वीडियो में हमने बता दिया आपको एग्ज़ामिनेशन के बारे में, आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा। बाकी जिन स्टूडेंट को जानना है कि दिसंबर 2022 में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन देने के लिए, तो वो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लियर आउट किया है कि दिसंबर 2022 में कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन में अपेयर करने के लिए। इसका लिंक आपको एक तो हमारे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा, दूसरा आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और एक और असाइनमेंट कौन से बनाने हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, उसका भी लिंक आपको यहाँ पे है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ। कंप्लीट डिटेल है ताकि आपको कोई भी इश्यू फेस ना हो असाइनमेंट्स को लेकर, एग्जामिनेशंस को लेकर। ऑल राइट, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको क्लियर आउट हो गया हो कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपका कब आने वाला है,
एग्जामिनेशन की फ़ीस क्या रहेगी और आपके असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, कोई भी क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, इसके अलावा कॉलिंग फोर एप पे कॉल करके अपने डाउट क्लियर आउट कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।